भाई भारत में 130 करोड़ या 140 करोड़ पब्लिक है, क्या सबकी शक्ल एक जैसी है? क्या सबकी उंगलियों के जो निशान है फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हैं? जब सरकारी कागज़ों में आपका अंगूठा लगवाया जाता है, निकाह के कागज़ में अंगूठा लगवाया जाता है, सरकारी दफ्तरों में उंगली से हाजिरी लगाई जाती है, जब आप मोबाइल स्मार्टफोन रखते हैं तो फिंगर सेंसर आपकी उंगली में होता है, मोबाइल आपका लॉक रहता है, बंद रहता है, फेस सेंसर होता है, अगर स्मार्टफोन को आप अपने सामने लेके आइए खुल जाएगा। भारत के 130 करोड़ आवाम अपने चेहरे के सामने लिया है, नहीं खुलेगा। हालांकि देखने में सारे एक जैसे हैं, वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा। एक साल के बच्चे सारे अलग, दो साल के बच्चे सारे अलग, औरतें सारी अलग, लड़कियां सारे अलग, सबके चेहरे अलग। क्या अल्लाह की कुदरत! सबकी उंगलियों के निशान अलग। आधार जो आपका बना होगा तो आधार में उंगली का निशान भी डाला जाता है ना। ये हथेली की लकीरें क्या एक जैसी हैं? नहीं है। क्या हमारे जिस्म के बाल एक जैसे हैं? नहीं है। सर के बाल अलग हैं, पलकों के बाल अलग हैं, भौहों के बाल अलग हैं, मूंछों के बाल अलग हैं, दाढ़ी के अलग हैं, या आपके हाथ पे जो बाल हैं इसका अलग अंदाज है। एक जिस्म पर कितने सारे, कितनी सारी किस्में हैं! क्या अल्लाह की कुदरत है! जब कोई देखता है ना तो उसको महसूस होता है कि वाकई अल्लाह तेरी शान, क्या तेरी शान है।